श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खिलावत वाहे दत्त शुद्ध भई और शुद्ध दई क्या मत और शुद्ध दई क्या मत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संभवतः कल के प्रसंग में था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश नहीं, वैदिक परंपरा और कतई परंपराओं के अनेक ग्रंथों में लाखों संकेत दिए और वे सब तारतम ज्ञान प्राप्त होने पर अभी स्पष्ट हो रहे हैं। तो उसी संदर्भ की बात। तो इस प्रकार बहुत प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश दुनिया में आया और इसी से पता चलता है कि आत्म जागृति का समय और परमधाम के अद्वैत भाव को समझने का, तो वो आत्मा को जागृत करके कैसे परमधाम के अद्वैत भाव को समझ सकते हैं वो पता चलता है। दो हादियों दई साहिदी मिलाए दिए निशान। तो दोनों परंपराओं में भी अनेक गुरुजन हुए, तो दोनों परंपराओं के गुरुजनों ने इस तरह से समझना चाहिए। वैसे मात्र दो की गिनती करते हैं तो यहाँ दो हादियों में इस प्रकार भी कहा जाता है कि एक और रसूल मोहम्मद ने समझाया और दूसरी ओर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने समझाया, किंतु इतने मात्र से हुक्म में वेद कतेव में लाखों लिखे निशान, तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो रसूल से पहले भी अनेक लोगों ने कहा था और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो ये केवल कहा नहीं, उन्होंने तो कुंजी ला करके, चाबी ला करके, ताला खोल करके सारा स्पष्ट कर दिया। जो कतई परंपरा में बातें कही जा रही थी, वैदिक परंपरा में बातें कही जा रही थी, उन बातों को लेकर के दोनों समुदायों में भी स्पष्टता नहीं थी, साथ साथ में परस्पर में संघर्ष भी ज़्यादा था, तो वो स्पष्टता करना बहुत आवश्यक था। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये स्पष्टता कर दिया, इसलिए यहाँ पर दोनों परंपराओं के ये समझना ज़्यादा उचित रहेगा। दो हादियों दई साहेदी साक्षियाँ दी मिलाए दिए निशान और सारे निशान सब स्पष्ट कर दिए, सारे संकेत इतना सब समझा दिया तारतम ज्ञान के माध्यम से, तो भी लज्जत न पाई रूहों ने। तो ब्रह्मात्माओं के लिए कह रहे, इतना होने पर भी तुमने उनका जिस प्रकार से स्वाद लेना चाहिए था तो वो तुम ले नहीं रहे हो। हाय हाय जो इति भई पहचान, इतने पहचान होने के बाद में तो तुम्हें तो अक्षरातीत धामधनी के सानिध्य का स्वाद तुरंत लेना चाहिए। हौ जो जोई की साहेदी, ताल की, यमुना जी की, उसकी भी साक्षी दी। और जिमी बाग जानवर, और जिमी बाग जानवर, तो वहाँ परमधाम की भूमि बगीचे पशु पक्षी वगैरह दई जुदी जुदी दो साहेदी। तो दोनों परंपराओं में अलग अलग तरीके से उनकी साक्षी समझाई गई है और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये सारी बातें स्पष्ट कर दी और आज दोनों परंपराओं की बातें तुलनात्मक रूप से भी समझाई जा रही है। तो भी दिल गलिया नहीं पत्थर, तुम्हारा दिल पत्थर की भांति बन करके ऐसा कठोर रहा
कि अभी तक पिघला नहीं। दो अरस कहे दो हादियों, तो दोनों परंपराओं के गुरुजनों ने बताया है। और इसमें ये नेतृत्व के रूप में कहें तो अब कते परंपरा में तो फिर रसूल को और वैदिक परंपरा में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की बात कर सकते हैं। तो वैसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो सारे शास्त्र ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें स्पष्ट करने के लिए हैं, और उनकी वो तुम लोगों को साक्षी दे करके इसमें से तुम जागृत होकर के परमधाम का अनुभव करो। तो सारे शास्त्र तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षी दे रहे हैं। तो उन्होंने तो दोनों प्रकार की सारी बातें समझाई है, इसलिए उनको केवल एक वस्तु में जोड़ना शायद सीमित उसमें रखेंगे। इसलिए दोनों परंपराओं के जो भी गुरुजन हुए हैं उस प्रकार की बात कर सकते हैं। कही अरसों की मोहलाता उन धाम की परम धाम के महल मंदिर उन सब की चर्चा भी की है। कही अमरद और किशोर, कतई परंपरा में अमरद सूरत ऐसा कहा गया और वैदिक परंपरा में किशोर स्वरूप चिरादित्यम किशोरांगम। अभी तो बहुत पहले का श्लोक है। तो ऐसे वो किशोर स्वरूप की, युवा स्वरूप की, किशोर स्वरूप की बातें वेदों में भी युवा स्वरूप की बात आती है। तो इन सारी बातों को स्पष्टता का की है। इस अरस सूरत का जाता ये परमधाम के स्वरूप है और अखंड स्वरूप है। तो ऐसे अक्षरातीत धामधनी ने तो क्या किया, भेजिया वेशक दारु हयाती। तो वो हयात होने का मतलब सदैव जीवित होने का अनुभव करने वाले दवा भिजवाई ज्ञान की, तारतम ज्ञान की। तुम पे मेरे हाथ हबीब, तो मेरे वो हबीब, हबीब तो परमात्मा के लिए कहा है, प्रियतम परमात्मा ने मेरे साथ ये भेजा है। इस प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा। देखो कते परंपरा में अमृत सूरत की बात कही जाती है और वैदिक परंपरा में किशोर स्वरूप की बात कही जाती है। हे ब्रह्मात्माओं, तो तुम अखंड परमधाम के ही हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही अंश हो। तो तुम्हें ये अनुभव करवाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मेरे हाथ में ये चाबी बेच दी है। इस प्रकार से सदगुरु ने समझाया, ऐसा करके प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये 14 तबक मुर्दे जीवते, तुमको ऐसे किए तबीब, तुमको ऐसे वैद्य बना दिया। तबीब का अर्थ वैद्य कि जिसमें 14 लोक, इस 14 लोक में कहने का तात्पर्य सारी सृष्टि, केवल 14 लोक की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी सृष्टि ही एक प्रकार से परमात्मा के विषय में तो अचेत थी, पता ही नहीं था, तो मुर्दे की तरह से उनको जीवित कर दिया। कहने का तात्पर्य उनको समझा दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे, तो वो मुर्दे को जीवित करना। तो तुमको ऐसे वैद्य बना दिया कि तुम्हारे कारण तो ये मरे हुए लोग भी जीवित हो जाएंगे। तो मुर्दे का जीवित होना कोई उसकी उस प्रकार की बात नहीं है। अचेत पड़े हुए ब्रह्म विषय में, परमात्मा के विषय में बिल्कुल भी ख्याल नहीं हो, ऐसे लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझा करके, उनकी लीलाएं, उन धाम सब समझा करके उनको सचेत कर दिया। इसको ही मुर्दे को जीवित करना कहा। न थी हिम्मत आप उठे कि सो तुम उठाए 14 तबका। इस दुनिया के लोगों को स्वयं ही जागृत होकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने की हिम्मत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। इसलिए तो तुमने सबको उठा करके सचेत कर दिया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ख्याल करवाया।
ऐसा किया बैठना सुत में, तुम्हें इनमें रही न सका। तुमने तो स्वयं को हम दुनिया में है नश्वर जगत में समझ करके भी इतना बड़ा काम किया, तुमसे इतना बड़ा काम करवाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे बेशक होए कि तुम्हें अजून अरस लज्जत, इतना सब होने पर भी ऐसा ज्ञान तुम्हें दिया, तुम्हारे माध्यम से दूसरों को जागृति आ रही है, तो तुम फिर भी अनुभव नहीं कर रहे हो, अभी तक तुम्हें स्वाद नहीं लग रहा है। एता मताले दिल में, हाय हाय तुम्हें दर्दा भी ना आवता। इतनी संपत्ति तुम्हें मिली तो ये समझने के बाद में तो तुम्हारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कितनी कृपा की हम पर, वो अहोभाव होना चाहिए, तो वो कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। हाय हाय ये देखिया बल जुलमत का, ये भ्रम का, जुलमत कहने से माया भ्रम अथवा जो भी ये बताओ, तो उसका ये उसमें ये ताकत है, ये जो भी उसका माया का समझो, मोह का समझो, मोह में इतनी बड़ी शक्ति है कि दिल ऐसा किया सख्त, तुम्हारे शक्ति तुम्हारे दिल को इतना कठोर बना दिया, ना तो एक शाख मिलावते अरस अरवा तब ही उड़ता, अन्यथा एक छोटी सी भी साक्षी मिल जाती है ना तो परमधाम की आत्मा तो, अरे ऐसी बात है, तो ये समझ करके तुरंत ही उसको जागृत होना होता है। अब यहाँ तो पूरी परंपराओं के लाखों निशाने निशानियाँ बता दी, सब कुछ समझा दिया और फिर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। शाबाश तुम्हारी अरवाह को, शाबाश हेड़े सखत, तुम्हारे आत्मा को भी बहुत बहुत साधुवाद, और तुम्हारे हृदय की कठोरता को भी साधुवाद। शाबाश तुम्हारी बेशकी, तुम्हें तारतम ज्ञान मिला, ये तो संदेह निवारण करने वाला ज्ञान है, तो इसकी इतना मिलने पर भी तुम्हें संदेह हो रहा है, तो तुम्हारे ज्ञान को भी वो साधुवाद देते हैं। शाबाश तुम्हारे निश्वत, तुम्हारा संबंध तो अक्षरातीत से शाश्वत है, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो उसको भी उसको लेकर के भी तुम्हें साधुवाद देते हैं। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे शहूर, तुम्हारा ईमान और तुम्हारे शहूर समझ, तो ये भी धन्य है भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जहूर, तो तुम्हारी बुद्धि भी धन्य है। यहाँ धन्य है कहने का तात्पर्य वो प्रशंसा के अर्थ में नहीं है, ये इसको संस्कृत साहित्य में काकू ऐसा कहा व्यंगात्मक रूप से कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी समझ, तो बस ये तो वो बहुत बहुत है, इस प्रकार से कह रहे हैं, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भले जागे कर जहूर, तारतम ज्ञान से जागृत करके प्रकाशित करना चाहिए था, सब कुछ समझाना चाहिए था, और तुम तो कहाँ किस तरह से पड़े हुए हो। अरस बताए दिया तुमको और बताए दही वाय दत्त, परमधाम की बात तुम्हें समझा दी, परमधाम के अद्वैत भाव को समझा दिया। सहुर इल्म कुंजी सब दई, तुम्हें समझ भी दी, सहुर का अर्थ समझ और इल्म ज्ञान, और वो ज्ञान कैसी, वो कुंजी की तरह से, चाबी की तरह से, वो सब तुम्हें दे दिया। बैठा है माए खिलवत, तो परमधाम में बैठे हुए अनुभव करवाया तुम्हें, इतना सब कुछ दिखा दिया, फिर भी एता मता जिन दिया तेना आप देखावत केती बेरा, जब इतनी बड़ी संपत्ति तुम्हें दिया फिर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो वो स्वयं को दिखाने में कितना समय लगाएंगे, तो अपने भी तो दर्शन करवाएंगे ना, तो तुम थोड़ा सा दर्शन करने की लालसा तो रखो। पर तुम्हें राखत दो के दरमियान ना तो क्यों रहे मोह अंधेरा, तो तुम्हें तो दोनों के बीच में रखा, तो बिल्कुल मोह में कंप्लीटली मोहग्रस्त भी नहीं किया, थोड़ा 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 ख्याल करवाया और कंप्लीटली जागृत भी नहीं किया, तो इस तरह से तुम दोनों के बीच में रह करके कभी तो थोड़ा सा जागृत हो रहे हैं ऐसा लगता है,
और कभी फिर माया मोह में सोए हुए हैं। तो ऐसे थोड़े से जागृत, थोड़े से तो सोए हुए, इस तरह की परिस्थिति में ला करके तुम्हें तुम्हारे अपने क्षमता दिखाई है ना। तो क्यों रहे मोह अंधेरा, यदि तुम जागृत हो जाओ तो ये मोह अंधेरा क्यों रहेगा, अन्यथा ये तो मिटी जाएगा ना। तो तुम्हें दोनों के बीच में लटका रखा है। बड़ाई तुम्हारी बक्कामी ने नहीं पटता ही, निहायत परमधाम की तुम्हारी महिमा इतनी ज्यादा समझा दी तुम्हें, खुदा कर पूजसी ऐसी और अनकाहु सिफत। और दुनिया के लोग जब मुक्ति स्थल में पहुंचेंगे तो तुम्हें अपने इष्ट समझ करके तुम्हारी पूजा करेंगे, इतनी तुम्हारी महिमा बता दी। ऐसी महिमा किसी की नहीं है, ऐसी हुई ना होशी कबो जो तुमको दई साहेबी, जो तुम्हें प्रभुत्व दिया है तो ऐसी घटना ना कभी हुई है और ना कभी होने वाली है। ए सुधा अजो तुम्हें ना परी, सुधा आगु तुम्हें होएगी, ये सब अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। जब परमधाम में जागृत हो जाएंगे तब पता चलेगा कि अरे हम तो कहाँ कहाँ माया मोह में ऐसे फंस गए। तुम खेल में आए वास्ते करे काये मंजी में आसवाना, तुम इस खेल में आए हो इसलिए, इसके लिए तो तुम ये जिमी और आसमान इस खेल के दृश्य को भी अखंड कर दिया। बाकी तो ये माया के खेल को कोई अखंड करते नहीं है। तीन सब के खुदा तुम को किए, जिनको अखंड किया तो उन सब के इष्ट तुम्हें बना दिया। बीच सर्वर लाऊ तो सुभान, तो जैसे परमधाम के स्वामी हो ना तो उस तरह से तुम्हें इन बहिष्ठों के मुक्ति स्थलों के स्वामी जैसे बना दिया। सो भी पूजे तुम्हारे अकस को तुम आए असल वतन, तुम परमधाम में जागृत हो जाओगे तो तुम्हारी जो तुम्हारा प्रतिबिंब दुनिया का शरीर है जो तुमने धारण किया था उसकी वो पूजा करेंगे ऐसे स्वरूप की। तुम्हारे अक्ष का तात्पर्य पर प्रतिबिंब इस तरह से। तीन सब की लज्जत तुम्हें आवश्यक, सब तले तुम्हारी इजन, तो जब परमधाम में जागृत हो जाओगे तब तुम्हें इंसाफ का स्वाद मिलेगा। एक तरफ ये दृश्य देखोगे कि सारे के सारे जीव है दुनिया के तो वो तुम्हें इतना महत्व दे रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ये भी देखोगे कि तुम किस तरह से भोले थे, कुछ भी मत पता नहीं था, तो ये सारा दृश्य तुम्हें जागृत होने पर दिखाई देगा। तो ये बता रहे हैं सब तले तुम्हारे जन, ये सारे के सारे तो तुम्हारी आज्ञा के अधीन होंगे ये भी पता चल जाएगा तुमको। ये कह रहे हैं ये सब बातें ले दिल में और दिल को लेखे आरस, ये सारी बातें लेकर के तुम्हारे हृदय को भी अक्षराते धाम धने ने अपना धाम बना दिए, वो हृदय में बैठे ये सारा पता चलेगा तुम्हें। विस्त करे तुम कायम ओषिता में, बड़ा तुम्हें जैसा तुम मुक्ति स्थलों को अखंड करोगे तो उसमें तुम्हारी कीर्ति बहुत फैलेगी। तुम दई विस्त बका ब्रह्मांड को तीन में जरा न सका, तुमने पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति का सुख दिलाया तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये नाबूद से आप से तो भी गुण जरा न देखा हक, तो इस नश्वरता से तो तुम्हें अखंडता का बोध करवाया तो फिर भी तुम्हें उस समय अक्षराते धामधनी के गुण ख्याल नहीं आए। सो तुम्हें याद आवश्य ओ तुम्हें करशी याद, तो अब ये कहते हैं सो तुम्हें याद आवश्य, ये सारी घटनाएं तुम्हें याद आएंगी और ओ तुम्हें करशी याद, और ये जो दुनिया की सृष्टि है अखंड होगी तो तुम्हें याद करेंगी। तुम्हें पूजे जिमी बक्कामी ने, तो उस अखंड भूमिका में तो तुम्हें भी तुम्हारी भी पूजा करेंगे। अजो इनका केता लियोगे स्वाद,
तो अभी तो इसका ये दुनिया का स्वाद कितना लेना है। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अजो इनका खेता लोगे स्वाद सो तुम्हें याद आवशी ओ तुम्हें करशी याद तुम्हें पूजे जिमी बकामिने अजो इनका केता लोगे स्वाद अजो इनका केता लोगे स्वाद कृष्ण मणि जी महाराज की जय।